हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज मैं अपना 2 दिन का रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत दिन हो गया कोई व्लॉग मैंने शेयर नहीं किया था, तो आई थॉट व्हाई नॉट। तो देखिए, अभी सुबह हो चुका है। मैं उठ के पहले कर्टन्स जो है उनको हटा देती हूँ ताकि पूरी लाइट जो है घर के अंदर आ सके। आज मैंने उबलते हुए दूध गिरा दिया है। ये कभी कभी हो जाता है जब मैं चाय बनाने जाती हूँ एंड एक ही साथ मैं दूसरा कोई काम करने लग जाती हूँ। एंड ये है मेरा फ्रिज जिसको अभी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है मुझे। तो सुबह सुबह क्या है, मैं और शौविक हम दोनों ही चाय पी के अपना दिन जो है स्टार्ट करते हैं, तो उसके बिना हमारा दिन बिल्कुल अधूरा रहता है। तो अभी हम लोग वही कर रहे हैं। तो अभी कोरोना के चक्कर में क्या हुआ है, कोई कुक या मेड हम लोगों ने नहीं रखा है फिलहाल, एटलीस्ट इस महीने तक तो ऐसा ही सिनारियो था। तो मैं खुद ही खाना बना रही हूँ। तो मैं ये ट्राई करती हूँ कि मेरे ऑफिशियल काम शुरू होने से पहले 11:30-12 बजे तक मैं अपना कुकिंग जो है ख़त्म कर लूँ, उसके बाद सारे मेरे कॉल स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ करेला। तो ये करेला फ्राई बहुत ही इजी है। लास्ट जो ब्लॉग मैंने शेयर किया था वहाँ कोई तो कमेंट किया था कि कोई इजी वेज रेसिपीज अगर है तो मैं शेयर करूँ। तो देखिए, मेरे घर में नॉन वेज रेसिपीज के साथ साथ वेज रेसिपीज भी बनते हैं एंड ये करेला फ्राई जो है वन ऑफ आवर फेवरेट्स। हम लोग जस्ट उसको हल्दी एंड नमक के साथ मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करते हैं, बहुत ही क्रंची एंड टेस्टी बनता है। एंड उसके साथ मैं बना रही हूँ फिश 2 प्याजा। तो ये जो फिश है दिस इज एक्चुअली अ सी फिश जितना मुझे पता है एंड दिस रेसिपी इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। दिस फिश डजंट हैव मच बोन्स। तो आपको अगर फिश बोन की कंप्लेन है तो आप ये फिश जरूर ट्राई कर सकते हैं। द फिश नेम इज रूपचांदा एंड जो रेसिपी है जैसे मैंने बताया दिस इज अ 2 प्याजा रेसिपी। काफ़ी डिलीशियस होता है एंड बहुत ही लेस टाइम टेकिंग है। अगर आपको रेसिपी जाननी है तो मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, स्पेसिफिकली कभी मैं इसके ऊपर एक वीडियो शेयर कर सकती हूँ। एंड आज मैं बाहर से थोड़ा आइस एप्पल मंगवाई थी। तो ये बचपन में हम लोग बहुत ज़्यादा खाते थे, समर में बहुत ही ज़्यादा एक कूलिंग इफेक्ट लाता था एंड आई लव दिस फ्रूट। बट अभी मुझे उतना ज़्यादा नहीं मिलता है बैंगलोर में, बट ऑनलाइन मुझे एक शॉप मिला जहाँ से मैं ये मंगवा पाई। सो आई एम जस्ट सॉर्टिंग देम आउट एंड उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी ताकि हम इसको ठंडा ठंडा खा सके। यू कैन ऐड दिस इन योर स्मूदीज या फिर आप इनको एज इट इज़ खा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा एक गुड सोर्स ऑफ वाटर है, जस्ट लाइक वाटरमेलन। सुबह के साथ साथ शाम को भी बहुत अच्छा सनलाइट आता है मेरे किचन में एंड मैंने सोचा आज आपको मैं दिखाती हूँ कितना प्यारा पैटर्न क्रिएट होता है एवरी डे। एंड आज है क्लीनिंग डे, मतलब आज मैं अपना सिंक क्लीन करने वाली हूँ। बहुत ही गंदा हो गया है बिकॉज ऑफ द हार्ड वाटर स्टेन। तो मेरा सिंक नॉर्मली हमेशा मैं क्लीन करके ही रखती हूँ, बट आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दीज हार्ड वाटर स्टेन। सिंस बैंगलोर में बहुत ही ज़्यादा हार्ड वाटर का प्रॉब्लम है, तो मेरा सिंक में वो हार्ड वाटर का जो स्टेन है बहुत ही ज्यादा दिखने लगता है इवन इफ आई क्लीन इट रेगुलरली। तो मैं ट्राई करती हूँ एटलीस्ट वीक में 2 से 3 बार ऐसे ही मैं साफ करूँ। अगर आप लोगों को इसकी कोई आसान सा रेमेडी पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट जरूर करना। एंड देखिए, ये काम लिपटाते लिपटाते अभी इवनिंग हो चुका है एंड आई टोटली लव दिस काइंड ऑफ पैटर्न्स। बाहर से जब लाइट आता है इवनिंग में ऐसे ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैटर्न क्रिएट हो जाता है बहुत सारे डिफरेंट कॉर्नर्स में। तो डिनर में मैं बना रही हूँ प्रॉन मलाई करी एंड 1 चिकन रेसिपी विद मलाई, लाइक कोकोनट मलाई। तो ये बहुत सिंपल रेसिपीज है। नाउ माय चैनल इज नॉट अ कुकिंग चैनल, तो मैं इसलिए डिटेल्स में रेसिपी नहीं दिखाती, बट अगर आपको कोई डिटेल्स रेसिपी जाननी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड यहाँ मैं दिखा रही हूँ द कोकोनट मिल्क विच आई एम यूजिंग डाबर्स होममेड कोकोनट मिल्क। नहीं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हो।
तो मेरा डिनर तो हो गया रेडी एंड मैं आपको मिलती हूँ कल सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे इज द नेक्स्ट डे एंड सुबह सुबह मेरा बैल्कनी इतना प्यारा लगता है, द व्यू इज रियली नाइस। एंड सुबह सुबह एज यूजुअल मैं अपना घर जो है उसको समेटने में बिजी हूँ। सुबह उठ के मुझे लगता है अगर जो छोटे मोटे चीज़ें बिखरी हुई रहती है घर में, जैसे कारपेट्स, कुशंस या फिर जो बेड, उसको ठीक से अगर मैं समेट के रखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा एक पॉजिटिव एनर्जी फील होता है। आई एम प्रिटी मच श्योर आप अगर बहुत दिन से मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा, सुबह उठ के बेड मैं पहले बनाती हूँ, उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ। एंड आज एक्चुअली मैंने अपने सारे प्लांट्स को बाहर निकाल के रखा है, सारे इनडोर प्लांट्स को, क्योंकि आज मैं उनको बहुत अच्छे से वाटरिंग करने वाली हूँ। आई एम जस्ट going to give them a nice bath। तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि मेरे प्लांट्स इतने ग्रीन कैसे रहते हैं, इतने क्लीन कैसे रहते हैं। सो दिस इज़ वॉट आई डू वीकली। अगर आप वीकली एक बार भी ये करते हो, इफ़ यू गिव देम अ नाइस थरो बाथ, आप देखेंगे कितना अच्छे से उनका ग्रोथ होगा एंड इनफैक्ट ऑल देयर लीव्स विल बी फ्लरिशिंग। तो डू दैट वेन एवर यू कैन। एंड नेक्स्ट जो होता है, मैं किचन में आती हूँ एंड किचन में जो धुले हुए बर्तन रहते हैं रात को, वो मैं सुबह समेटती हूँ, अपने अपने जगह रखती हूँ ताकि मैं अपना कुकिंग स्टार्ट कर पाऊँ। तो आज मैं बना रही हूँ मसूर का दाल, क्योंकि ये बहुत इजीली बन जाता है। इसका रेसिपी और क्या ही मैं शेयर करूँ, आप लोगों को पता ही होगा। ऑयल में जीरा या पांच फोड़न ऐड करने के बाद आई ऐड ग्रीन चिलीज एंड टोमेटो। उसके बाद धुले हुए दाल मैं डाल देती हूँ एंड ट्यूमरिक एंड नमक के साथ जस्ट बॉयल कर लेती हूँ। Yes, so this is happening in another room and अभी मैं बनाने लगी हूँ कैबेज करी। बहुत ही सिंपल है, इसका रेसिपी मैं अभी शेयर करूँगी आपके साथ। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल में जीरा एंड अनियन को फ्राई कर लिया है एंड उसके बाद मैं मिला रही हूँ चॉप्ड पोटैटो एंड कैबेज। मैंने फाइनली चॉप कर लिया है एंड अच्छे से मैं थोड़ा मिक्स कर दूंगी एंड देन आई विल एड सॉल्ट। तो आप ये टेस्ट वाइज डाल सकते हैं एंड देन टर्मरिक पाउडर एंड लिटिल बिट ऑफ रेड चिली। नाउ दिस रेड चिली इज ऑप्शनल, अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं थोड़ा डालती हूँ फॉर कलर एंड बहुत अच्छे से मैं अभी मिला दूंगी एंड दैट्स इट। और कोई भी मसाला इसमें नहीं डलेगा एंड बहुत ही डिलीशियस ये बनता है। तो 5-10 मिनट इसको ढक के मैंने कुक किया। उसके बाद मैं हाफ कप ऑफ वाटर डाल रही हूँ, आप अपने अंदाज से डालना ताकि ये थोड़ा बॉयल हो जाए अच्छे से। एंड ऊपर से मैं एक चॉप्ड किया हुआ टमाटो एंड 2 से 3 ग्रीन चिली मैं डाल रही हूँ। मैं होल ग्रीन चिली डाल रही हूँ, आप बीच में से इसको कट करके भी डाल सकते हैं। एंड अब मैं इसको ढक के कुक करूँगी अंटिल इट इज़ वेरी नाइसली बॉयल्ड। तो अभी देखिए ये अच्छे से बॉयल हो गया है, तो ऊपर से मैं ग्रीन पीज ऐड कर रही हूँ। ये फ्रोजन पीज है लेकिन आपके पास अगर फ्रेश ग्रीन पीज है तो आप वो भी डाल सकते हैं एंड अभी मैं अच्छे से मिला दूंगी। तो ग्रीन पीज आप लास्ट में ही ऐड करना, नहीं तो उसका कलर एंड जो फ्लेवर पूरा चेंज हो जाता है एंड वो एक फ्रेश ग्रीन कलर और नहीं दिखता है। तो अभी इसको मैं फिर से ढक दूंगी एंड ढक के उसको 5 मिनट तक पकाऊंगी एंड देन ये बहुत ही सिंपल येट डिलीशियस कैबेज करी विल बी ऑलरेडी। ऊपर से लास्ट में आप चाहे तो थोड़ा घी डाल सकते हैं, विच इज टोटली ऑप्शनल। और अभी देखिए मेरा दाल भी रेडी हो गया है, मैंने बस 2 विसल्स लगाया एंड ऊपर से मैंने थोड़ा कोरिएंडर लीव्स डाल दिया है टू ब्रिंग द फ्रेश फ्लेवर। तो आज मेरा शूट डे है, आफ्टर आई एम डन विद द लंच अभी मैं रेडी होंगी। तो मैं पहले नहाने जाती हूँ एंड मैं आज अप्लाई कर रही हूँ गुड वाइब्स अनियन हेयर फॉल कंट्रोल हेयर मास्क। दिस हेयर मास्क इज पैराबेन एंड सल्फेट फ्री एंड देयर इज नो एनिमल टेस्टिंग डन फॉर दिस प्रोडक्ट एंड दिस इज फिल्ड विद एंटीऑक्सीडेंट एंड नरिशिंग प्रॉपर्टीज। बेसिकली अनियन हेल्प्स प्रोमोट हेयर ग्रोथ एंड नरिश हेयर फॉलिकल्स, प्रिवेंट हेयर लॉस। काफी सारे गुण है इस प्रोडक्ट का एंड इसको अप्लाई करना है फ्रॉम द रूट्स। यू हैव टू गो टिल द टिप ऑफ योर हेयर, पूरे हेयर में ही बहुत अच्छे से आपको ये मास्क लगाना है एंड एटलीस्ट 1 घंटे तक इसको छोड़ना है। आई हैव ऑलरेडी यूज दिस प्रोडक्ट 3 to 4 times एंड आई कैन टोटली वाउच फॉर इट। बालों को बहुत ही ज्यादा सिल्की एंड सॉफ्ट बनाता है एंड ऑल्सो एक शाइन भी लाता है। एंड अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली इसको एक बार ट्राई करके देखना।
अभी इसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने लगा लिया है एंड इसके बाद मैं 1 घंटे तक इसको छोड़ दूंगी। नाउ आफ्टर शावर आई एम अप्लाइंग दिस वायम आयुर्वेदस 100% प्योर ऑलिव ऑयल। दिस इज कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल एंड आई क्वाइट लाइक दिस प्रोडक्ट एंड दिस इज वर्किंग वेरी नाइस फॉर माई स्किन बिकॉज माई स्किन इज मेजरली मीडियम टू ड्राई। नाउ बिफोर यू अप्लाई एनी प्रोडक्ट ऑलवेज डू अ पैच टेस्टिंग, तभी आपको पता चलेगा आपके स्किन के ऊपर ये प्रोडक्ट कैसे काम कर रहा है। बट फॉर मी दिस इज एक्चुअली वर्किंग वेरी नाइसली। आई एम क्वाइट लाइकिंग हाउ इट इज मॉइस्चराइजिंग माई स्किन। तो नहाने के बाद मैं आजकल दूसरा कोई क्रीम नहीं लगा के इस ऑलिव ऑयल को ही लगा रही हूँ। तो इस ऑयल में ना विटामिन ई एंड के भी है विच एक्चुअली प्रोवाइड्स इंटेंस नरिशमेंट। दिस इज 100% कोल्ड प्रेस्ड कैरियर ऑयल। Now even if I am at home, I always make sure that I apply sunscreen. So I am applying Good Vibes Gel Cream Sunscreen. This is SPF 50. Now this product is also paraben free and no animal testing is done on this product. Now maybe you already know, but always try to use sunscreen even if you are keeping indoor. Because जो UV rays होते हैं ना वो बहुत harmful होता है हमारे skin के लिए. And this product has the capability of protecting your skin from UV rays. ये सारे products मैंने purple.com से मंगवाया था एंड मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाउ आज मौसम बिल्कुल चेंज हो गया, तो मैं जब शूट कर रही थी तभी मैं देख रही थी बाहर बहुत ज्यादा हवा चलना स्टार्ट हो गया था एंड सी हाउ नाइस एंड ब्यूटीफुल दिस इवनिंग इज लुकिंग लाइक। तो मेरा शूट खत्म हो चुका है अभी एंड मैं अभी अपना मेकअप जो है निकालने वाली हूँ। मेकअप रिमूव करने के लिए ना मैं एल्प्स गुडनेस का एलोवेरा एंड हाइलोरोनिक एसिड हाइड्रेटिंग टोनर यूज कर रही हूँ। मैं इसको डायरेक्टली ही फेस पे अप्लाई करती हूँ। आप एक कॉटन बॉल के ऊपर भी इसको अप्लाई करके आराम से अपना मेकअप रिमूव कर सकते हो, बट मैं ऑलवेज सजेस्ट करूंगी ऑलवेज गो फॉर अ पैच टेस्ट बिफोर यू यूज द प्रोडक्ट एंड देन यू विल कम टू नो कोई रिएक्शन हो रहा है या नहीं। वैसे तो ये सल्फेट फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है, कोई एडेड कलर भी नहीं है, ऑल्सो दिस इज अ क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट। तो मेरे स्किन में ये काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है एंड यू कैन सी हाउ नाइसली इट रिमूव्स ऑल दैट डर्ट एंड डस्ट एंड मेकअप। बहुत अच्छे से स्किन क्लियर हो जाता है। तो बस अभी मेरा पूरा दिन जो है खत्म हो गया है। आज के लिए इतना ही। तो आई एम जस्ट गोइंग टू एंड द ब्लॉग हियर। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है सब्सक्राइब कर देना, लाइक बटन दबा देना, कमेंट करना एंड मुझे बताना आपका कोई फीडबैक है, सजेशंस हो एंड मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।